तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का मकाम व मर्तबा क्या है? हज़रत अली की शहादत कैसे हुई? इब्ने मुल्जिम कौन था? इब्ने मुल्जिम का अंजाम क्या हुआ? आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के वालिद हज़रत अबू तालिब और वालदा जनाब फ़ातिमा बिनते असद दोनों कुरैश के कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे और उन दोनों बुज़ुर्गों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। बचपन में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और वहीं परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर नगरानी आपकी तरबियत हुई। वो एक लम्हा के लिए भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ते थे। आपके बारे में आम रवायत है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मंसूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, तुम सब में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की 3 फजीलतें। वो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि मुबाहला के वाक़े में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को नफ़्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़िताब मिला। हज़रत अली का अमली एजाज़ ये था कि मस्जिद में सबके दरवाज़े बंद हुए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब मुहाजरीनों अंसार में भाईचारा किया गया तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुनिया और आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गुदैर खम के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमा में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी में शाम से आए एक शकील कल्ब शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम नामी शख्स ने कतामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कुफा में हालत सजदा में पुश्त से सर पर जहर बुझी तलवार से वार करके ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी होने पर आपके लोबों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ज़ख्मी हो गए और अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन ज़ख्म गहरा था चुनाचे जाम पर ना हो सके और 21 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को आपकी शहादत हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे और उम्मते मुसलमान के खलीफा राशिद 4वें खलीफा थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से मुतालिक तवारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की इम्तियाजी सिफ़ात और ख़िदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और अपने कौल व फ़ेल से उनकी खूबियों को ज़ाहिर करते रहते थे। जितने मनाकिब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं किसी और सहाबी के बारे में नहीं मिलते। इब्ने मुल्जिम कौन था? इब्ने मुल्जिम एक मुसलमान कलमा गो नमाज पढ़ने वाला मुसलमान था। हम ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को इल्म था कि आज उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और कातिल को जानते थे कि कौन है, मगर अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की। पहली कुर्बानी आपने दी और आखिरी कुर्बानी करबला में आपके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी और इस दीन को बचा लिया और इस दीन को बचाने के लिए एक सबक दिया कि इस्लाम को कभी बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे सर कटाना पड़े। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मस्जिद कुफा में तशरीफ़ लाए तो इब्ने मुल्जिम मस्जिद में सो रहा था और उल्टा लेटा हुआ था। नीचे तलवार को छुपाए हुए तलवार भी जहर में बुझी हुई थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ए इब्ने मुल्जिम उठ जा, नमाज से वक्त निकला जा रहा है, नमाज अदा कर। वह मलून उठा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम उस वक्त आखिरी सजदा अदा कर रहे थे। यकायक आगे बढ़ा और ऐसा वार किया कि सर मुबारक पर जहर में भुजा हुआ खंजर अपना असर कर गया। रोज़ा में रोज़ादार को ऐसा ज़ख्म लगा कि फिर उठ ना सके। मस्जिद कूफा में शोर बरपा हो गया, क़यामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले नाला व फरियाद करने लगे। इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए
और अपने बाबा की रेशे मुबारक खून से तर देखी और गिरिया करने लगी। असहाब हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम को कंधों पर डालकर घर ले गए। घर में कोहराम बरपा हो गया, बेटियां तड़प गईं बाप को इस हालत में देखकर। हकीम ने इलाज शुरू किया मगर जहर अपना काम कर चुका था। उधर इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया और हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने अपने बेटों से फरमाया, बेटा कातिल को उतना ही ज़ख्म लगाना सजा के तौर पर जितना उसे मुझे दिया है। अल्लाहु अकबर, ये इंसाफ हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम का था। उस ज़ख्म की शिद्दत में 3 दिन तक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़पते रहे और 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम की शहादत हुई। तवारीख मुनाबा में इब्ने मुलजिम के अंजाम कार के बारे में मुख्तलिफ वाक़यात मंदर्ज हैं। जो चीज़ ज़्यादा मशहूर है वो यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी अपने फरजंदान से उसके साथ मदारा करने की सिफारिश फरमाते रहे और आपकी शहादत के बाद इब्ने मुलजिम को कसास की खातिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास लाया गया और उन्होंने भी एक ही तलवार के वार से उससे कसास लिया और ये वाक़ा 21 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल एक हदीस में आपने फरमाया, जब इब्ने मुलजिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर तलवार से वार किया और आपका फ़र्क़ अतहर ज़ख्मी हुआ तो उसी ज़ख़म के मानिंद एक ज़ख़म आपके उस सूरत पर भी नमदार हुआ जो मलाइका के पास आपकी सूरत मौजूद थी। उसके बाद से मलाइका हर सुबह शाम उस सूरत की ज़ियारत करते वक्त इब्ने मुलजिम पर लानत भेजते हैं और ये काम बग़ैर तवक्कुफ़ के क़यामत तक जारी रहेगा। एक रवायत मशहूर है कि उम्मुल हैशम अबू असवद नखी की बेटी ने उस इब्ने मुलजिम के जनाजे को आग लगा दी। इब्ने बतूता अपनी किताब अर-रहला में लिखता है, जब मैंने कूफा की मुसाफत की तो कूफा के मगरिब में एक मुकम्मल सफ़ेद ज़मीन के दरमियान एक हिस्सा नहायत ही काला टुकड़ा देखा और जब मैंने तजस्सुस की हालत में सवाल किया और उसके बारे में तहकीक की तो उस मुंतके के एक मकीन ने जवाब दिया, यह हिस्सा इब्ने मुलजिम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कातिल की कब्र है और अहले कूफा की ये रस्म चली आ रही है कि हर साल जहाँ लकड़ियाँ जमा करके 7 दिन तक उन लकड़ियों को यहाँ जलाते हैं, इस वजह से यह ज़मीन का टुकड़ा काला हुआ है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के कातिल इब्ने मुलजिम का एक वाक़ काबिल ज़िक्र है। अबुल कासिम हुसैन इब्ने मोहम्मद इब्ने रक़ा से रवायत है कि मैंने मस्जिदुल हराम में मकाम इब्राहिम में एक राहिब को देखा जिसके चारों तरफ लोगों का कसीर मजमा था और वह अपने मुसलमान होने की दास्तान सुना रहा था। कह रहा था कि मैं सोमा में बैठा हुआ था कि देखा कि एक अजीम परिंदा आकर एक चट्टान पर बैठा, फिर उसने कह की जिसमें एक चहारम आदमी खारिज हुआ फिर उड़ गया। कुछ देर बाद आया और चहारम आदमी और कह के जरिए खारिज किया। इस तरह 4 मरतबा उड़ा और आया और कह करता रहा जो एक आदमी करीमुल मंजर बन गया। फिर वही जानवर आया और उस आदमी का चहारम हिस्सा नोच कर ले गया। फिर आया और चहारम हिस्सा मनकार में ले गया यहाँ तक कि पूरा आदमी गायब हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ और अफसोस भी किया कि मैंने उस आदमी से क्यों नहीं दरियाफ्त किया कि तू कौन है, कि दूसरे रोज़ भी मैंने यही देखा। जब वो पूरा आदमी बन गया तो मैं तेज़ी से उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, तू कौन है और तेरा नाम क्या है? उसने कुछ जवाब ना दिया। मैंने उसे कस्में दिलाई, तुझे अपने पैदा करने वाले की कसम कि मुझे ये राज बता और अपना नाम बता। उसने गर्दन झुका कर कहा, मेरा नाम इब्ने मुलजिम है, मैं अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कातिल हूँ। उसके बायस मैं अजाब में गिरफ्तार हूँ कि रोज़ाना ये परिंदा मुझे अपनी मनकार से ज़ख्मी करता है, खाता है और फिर क्या करता है। राहिब कहता है कि मैंने लोगों से पूछा कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम किसका नाम है तो मालूम हुआ कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और वसी का नाम है जिनको उस इब्ने मुलजिम ने हालत नमाज में कत्ल किया है। ये सुनकर मैं राहिब मुसलमान हो गया। खुदा सबको मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।